अपना पूरा नाम बताइए मेरा नाम है ओम प्रकाश प्रजापति। और आपका सैलरी कितना है? आपको सैलरी है 120 है। यहाँ पे कितना सैलरी बन जाता है, कितना सैलरी आपको मिल जाता है यहाँ पे? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। पासपोर्ट से रिलेटेड और वीजा से रिलेटेड इन सभी चीज़ की जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और भाई हैं, तो इनसे हम बात करने वाले हैं कि ये जिस कंपनी में आए हैं, ये कंपनी उनके लिए कैसा अनुभव है और कैसा उनके लिए एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, और कंपनी में क्या रूटीन है और उनको क्या अच्छा लगा कंपनी में, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। दोस्तों, इनसे पूछते हैं कि इनको कंपनी कैसा लगा और कंपनी में क्या रूटीन है, कंपनी में क्या सैलरी है और किस काम में आए हैं और कौन सी कंपनी है। आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है ओम प्रकाश प्रजापति। और अपना जो काम, किस काम में आए हैं? इलेक्ट्रिशियन के काम से हैं। और आपका सैलरी कितना है? सैलरी है 120 है। तो आपको कंपनी कैसा लगा? कंपनी सही है, हाँ तो सही है, कंपनी सही है। और यहाँ का जो कैंप है वो कैंप कैसा लगा? कैंप भी सही है, कैंप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंप भी सही है। कैंप भी सही है, हाँ। यहाँ का जो देश है, बहरीन देश, वो कैसा लगा आपको? वो बहरीन भी सही है, सिटी मनामा एरिया में हम गए थे एक दिन के लिए, उधर भी बोले तो देखा तो सिटी है, ज़्यादा बोले बोला बड़ा है। हाँ, अभी हम लोग तो आउट एरिया में है, बोले तो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ है, उधर हमारा रूम है। कैंप वम सब सही है, काम वम सब सही है, कंपनी उपनी सब सही है? हाँ, कंपनी भी सही है, कंपनी भी सही है, काम भी सही है। सैलरी टाइम पर मिलता है आपको? अभी तो हम आए तो अभी हमको एक महीना नहीं हुआ, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि सैलरी अभी टाइम से मिला नहीं, तो कैसे, अभी एक महीना नहीं हुआ। आपको कंपनी में मालूम होगा ना कि सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको कुछ तो मालूम होगा टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, टाइम से आदमी लोग, दूसरा आदमी लोग बोलता है टाइम से मिलता है। हाँ, अभी हम चलिए, आप कंपनी को 5 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? अभी तो हम देखा, अभी जब हम 6 महीना गुजर जाएगा उसके बाद से मालूम चलेगा कि कंपनी कितना अच्छा है। अभी तो मैं तो दूसरा आदमी के मुंह से सुनता हूँ कि कंपनी अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये कंपनी का सुझाव है कि कंपनी अच्छा है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को ऐसे ही बने रहें। तो दोस्तों, हमारे एक और फ्रेंड है और उनसे बात करते हैं कि बहरीन की जो कंपनी है उनको कैसा लगा कंपनी। आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफ्तर अली। आप किस काम में आए हुए हैं? मैं फिलहाल तो इलेक्ट्रिशियन में हूँ। तो आपको यहाँ पे कितना सैलरी बन जाता है, कितना सैलरी आपको मिल जाता है यहाँ पे? अभी तो मेरा फर्स्ट महीना है, पहला महीना है, तो अभी तो मैं बता नहीं सकता कि कितना बनेगा क्या है नहीं, बस इतना है कि लोगों से सुनता हूँ, जैसे जो यहाँ पर जो पहले जो काम कर रहे हैं पुराने लोग हैं, बोलता है कि 30-35 तक हो जाता है। 30-35 तक, तो आप संतुष्ट हैं सैलरी से? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको क्या है नहीं पता। कंपनी अच्छा है? हाँ, ठीक है, गुड है। और यहाँ का जो कैंप है, कैंप कैसा है? कैंप भी ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो कोई किसी प्रॉब्लम का फेस तो नहीं किया हूँ, बाकी आ गए तो। और भी लोग कंपनी में आने वाले हैं और भी लोग बहरीन देश में आने वाले हैं, उनके लिए आपको क्या कुछ बोलना चाहिए आपको? जो आने वाले हैं उसके लिए ठीक, आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप कंपनी को कितना रेटिंग देंगे? 5 में से 4। 5 में से 4 रेटिंग। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे मित्र और हमारे ही कंपनी में रहते हैं और इन्होंने जो कंपनी है इनको 5 में से 4 रेटिंग दिए हैं। हाँ दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और जय हिंद, जय भारत।